नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस ऑर्गन क्लॉक सीरीज में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे चार्ज करना है। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि लंग्स को कैसे चार्ज करना है, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आए मुझे कि उसका फीडबैक मिलना भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों को 4-5 दिन में ही अच्छा लगने लगा है, कुछ लोगों को तो इतना हुआ है कि लंग्स का जो मैंने पॉइंट बताया था, लंग्स को चार्ज करने के बाद जिनको अस्थमा धूल एलर्जी थी उनको 5 दिन में ही काफ़ी 20% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने लगा, ऐसे मेरे पास फीडबैक आए हैं। तो अभी आपको मैं जो बताऊंगा लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे एनर्जाइज करना है, उसको करने के फ़ायदे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे किस लिए काम आता है और उसको लार्ज इंटेस्टाइन को चार्ज करने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो सकता है, कितने फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन को चार्ज करने के क्या फ़ायदे, सबसे पहले तो मैं वो आपको बताऊँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो है कि आपका पेट साफ़ होने लगेगा। लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से अगर आपका अच्छे से वर्क करेगी तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा, और पेट साफ़ होगा तो आप जानते हैं कि आपकी 100 बीमारियों का इलाज हो जाएगा। तो इसलिए आपको लार्ज इंटेस्टाइन को ज़रूर से ज़रूर चार्ज करना है। इसके अलावा आपको गैस, एसिडिटी कम बनेगी। अगर लार्ज इंटेस्टाइन को आप प्रॉपर रूप से चार्ज रखेंगे तो अपना काम प्रॉपर करेगी, तो वो नहीं होगा। इसके अलावा जो एक्यूप्रेशर में बताया गया लार्ज इंटेस्टाइन के इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपको साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा होगा, आपको फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आँखों की और दांत का दर्द में बहुत फ़ायदा करता है लार्ज इंटेस्टाइन को चार्ज करने से। आँखों में बहुत फ़ायदा होता है, हेडेक में फ़ायदा होता है। इसके अलावा नेक आपकी दुख रही है, शोल्डर दुख रहा है, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन को बहुत फ़ायदा है। लंग्स डिजीज़ में भी हेल्प करता है, आपको फीवर हो गया हो तो उसमें भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन को चार्ज करने से। तो आप देखेंगे कि आप बहुत, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप लाइट फील करेंगे क्योंकि आपका पेट साफ होगा तो आप अपने आप में लाइट फील करने लगेंगे और बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा। आप एनर्जेटिक भी फील करने लगते हैं अगर आपका पेट साफ रहता है तो। और कोई भी दवा और या कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो उसमें आपका जो है जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन को चार्ज करने से। तो इसको चार्ज कैसे करना है, तो उसको चार्ज करने का भी टाइम है, वो उस टाइम पर आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को आप चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए एक पॉइंट है, उसको आपको सिर्फ मैग्नेट लगा देना है, पेपर टेप पर, या मैग्नेट नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं किस टाइम पर आपको लार्ज इंटेस्टाइन को चार्ज करना है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का जो टाइम है 5 to 7 मॉर्निंग में, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम होता है लार्ज इंटेस्टाइन को चार्ज करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए LI1 पॉइंट होता है यहाँ पर, इनेल के इस साइड में, रेडियल साइड में होता है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। वहाँ पर आपको वाइट मैग्नेट लगा देना है, मैग्नेट को टर्न कर देना है, यानी कि यहाँ पर दोनों इंडेक्स फिंगर में आपके लगभग नाखून के थोड़ा सा नीचे रेडियल साइड में, ये देखिए यहाँ पर होता है LI1 पॉइंट। इस पर आपको इस तरह से मैग्नेट लगा देना है, वाइट मैग्नेट विजिबल रहेगा, इस तरह से आपको लगाना है। ऐसे ही दूसरी इंडेक्स फिंगर में भी आपको इसी तरह से लगा देना है, ये देखिए इस तरह से, देखिए ये LI1 पॉइंट है, इसको भी आपको इसी तरह से एनर्जाइज कर देना है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप मेथी लगा सकते हैं, साबुत मूंग का दाना लगा सकते हैं इस तरह से, ये देखिए साबुत मूंग पेपर टेप पे चिपकाया मैंने और उसको यहाँ पर लगा दिया है। तो आप उसको यहाँ पर लगा के इस तरह से एनर्जाइज कर सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह से आपको ये 5 to 7 मॉर्निंग में लगाना है। तो आप देखेंगे आपको कितना फ़ायदा हो, कितने दिन के लिए लगाना है, कम से कम 15 दिन के लिए लगाइएगा, 4-5 दिन में ही आपको अपने आप में फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा, कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी की समस्या बहुत है, वो रोगी तो ज़रूर लगाए, तो उनके लिए रामबाण इलाज है ये। सिर्फ एक पॉइंट को लगाने से उनको इतना फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा कि कहने पे। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरा कॉन्स्टिपेशन पे एक वीडियो आने वाला है, इसी हफ्ते में एक वीडियो आ जाएगा, इसके तो 3 दिन बाद ही एक वीडियो आएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और इसका आराम थोड़ा धीरे धीरे मिल सकता है क्योंकि पूरे लार्ज इंटेस्टाइन पर ही वर्क करेगा, एक बीमारी के लिए आपको मल्टीपल उस समय फ़ायदा होने वाला है। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा, 5 to 7 लगाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ढेरों जानकारी लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में शायद मैं आपको अगला ऑर्गन आपका चार्ज करने वाला बताऊँगा, नेक्स्ट फ्राइडे को बताऊँगा। हर फ्राइडे को मैं आपके लिए एक ऑर्गन चार्ज के लिए लेकर आता हूँ। इसके अलावा LI1 को इसको चार्ज करने से फ़ायदा क्या होता है, आपके LI मेरिडियन का जो रास्ता होता है, इस रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए, टेनिस एल्बो के लिए भी इसलिए काम आता है, रिस्ट पेन के लिए काम आता है, फिंगर पेन के लिए भी काम आएगा, तो इसको ज़रूर लगा के रखिए। सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए लगा कर रखना है और आपको फ़ायदा बहुत मिल जाएगा। सिर्फ 2 घंटे डेली चार्ज करने से ही आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आना शुरू हो गया, तो इसको जल्दी से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।